वालेकुम क्या हाल है सबके उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय रहे होंगे और जी लास्ट व्लाग में आप लोगों ने मुझे देखा था कि किस तरह से मैंने इस डो को प्रिपेयर किया था और इसकी फ़ुल रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो जो भी लास्ट वीडियो देखेगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसको पूरी डिटेल मिल जाएगी तो यहाँ पे हम बनाने लगे हैं वन डो फॉर ऑल यानी कि इस एक डो से जो है ना आप बहुत कमाल कर सकते हैं बहुत मैजिक कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हाइटी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं बच्चों के लंच के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये डो जो है वो गूंदने के बाद आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपने बनाना हो आप इसको बाहर निकालें थो करें रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इससे जो बनाना है बना लें इसी तरह से जब आप इससे कोई चीज़ें बनाएंगे उनको आप शेप दे देंगे तो शेप देने के बाद जो है वो आप उन्हें किसी भी ट्रे में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं वो जम जाएँ तो उन्हें एयर टाइट डब्बे में या बैग में बंद करके आराम से एक महीने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं तो जब भी आपने बनाना है बाहर निकालिए उसको डीफ्रॉस्ट होने दीजिए और बेक कर लीजिए तो है ना मज़े की बात ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी और यकीन माने बेकरी आइटम्स अब बहुत महंगे हो गए हैं तो आई होप कि ये रेसिपी आपके काम आएगी बहुत आसान है इस डो को नीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है वो एक बड़े बोल में आपने मिक्स करना है और उसके बाद डो को राइज़ होने के लिए रख देना है जब डो राइज़ हो जाएगा तो उसके आप पोर्शंस कर सकते हैं अगर उसी वक्त बेक करना चाहें तो आप उसी वक्त बेक करें और अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं तो बस जी मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए ताकि उसके बाद जो है वो हम आज की मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ जो वो स्टार्ट कर सकें जो रेसिपी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वो एक्चुअली एक बैच ऑफ डो कंसिडर किया जाएगा तो उस बैच ऑफ़ डो को जो है वो मैं दो हिस्सों में तकसीम कर लूँगी और उनसे जो है वो आज दो डिफरेंट रेसिपीज़ बनाऊँगी तो आज की रेसिपी जो है वो है मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा और उसमें आप किसी भी किस्म की टॉपिंग डाल सकते हैं ज़ाहिर है जो पिज़्ज़ा लवर हैं उन्हें आइडिया होगा कि कौन सी टॉपिंग उन्हें पसंद है कोई लेफ़्ट ओवर चिकन डाल सकते हैं कीमा डाल सकते हैं आपको इसके लिए पिज्जा सॉस चाहिए पिज़्ज़ा सॉस में जो है वो मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया है उससे ये होता है कि जब आप बाज़ार में पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि वो अच्छा ऑयली होता है बड़ा सॉफ्ट होता है मॉइस्ट होता है तो बस वो ऑयल की ही वजह से होता है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए और टॉपिंग्स आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो ले सकते हैं इसकी जो है वो थोड़ा सा इसको फ्लैटन करके एक शेप सी बना के जो है वो दस पंद्रह मिनट रेस्ट होने के लिए रखिए क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ब्रेड के अंदर एक क्वालिटी होती है कि ब्रेड डो जो है ना वो श्रिंक होता है आप उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो श्रिंक होता है तो हमेशा उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें तो जब आप उसे रेस्ट देंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा तो देख लीजिए मैंने इसको रोल किया है तो ये आराम से रोल हो रहा है तो रेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए इन शॉर्ट जो रेस्ट आपको और मुझे नहीं मिलता वो इस डो को ज़रूर देना चाहिए इसको मुकम्मल तौर पे आराम करवाएं इसकी ब्यूटी स्लीप होनी चाहिए उसके बाद जो है ना इसके रिजल्ट्स बड़े ही अच्छे होंगे तो बस जी अब मैंने पिज़्ज़ा डो को जो है वो ज़रा सा प्रिक कर दिया है और इसको फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया है इससे ये होगा कि ये फिर से थोड़ा प्रूफ हो जाएगा इस स्टेज पर आप चाहें तो इन रोटियों को तवे पर जो है वो हल्का सा उलट पुलट कर लीजिए और ताकि ये अपनी फॉर्म जो है वो रिटेन करें और ठंडा करके आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं तो फिर जब भी आपने पिज़्ज़ा बनाना है आपने ये रोटियां निकाली और इसके ऊपर टॉपिंग लगाई और फटाफट बेक कर लिया तो इस तरह से ये फ़्रोज़न पिज़्ज़ा बन जाएगा अगर आपने मेरी प्री रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें उसमें इस तरह के फ्रोज़न आइटम फ्रोज़न आइटम की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को सेव करने के लिए जैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं ओवरऑल आपकी रूटीन चेंज हो जाती है एक तरह से सुबह का टाइम आपके पास फ्री होता है लेकिन जैसे ही बच्चे वापस घर आते हैं तो उनके काम होते हैं उनके होमवर्क्स होते हैं उनके लंच होते हैं फिर बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक स्कैजल हो जाता है और एवरी डे जो है वो इस तरह की मस्तियाँ करने की बिल्कुल भी आप में हिम्मत नहीं होती तो जब आप इस तरह की चीज़ें फ्रीज़र में रखते हैं ना तो बच्चों को भी पता होता है मज़ेदार किस्म की चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आपके लिए भी जो है वो थोड़ी सहूलत हो जाती है कि मेहमान आ जाएँ तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे इम्पॉटेंट बात पैसों की बहुत बचत होती है और उससे भी इम्पॉटेंट बात यह है कि आपको पता है कि आप इसके अंदर क्या डाल रहे हैं अब मेरे पास ये पेपरोनी बहुत दिनों से फ्रीज़र में रखी हुई थी और कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था तो मैंने पेपरोनी पिज्ज़ा बना लिया आप चाहें तो चिकन से बना सकते हैं चिकन नगेट को क्रश करके डाल सकते हैं और तो और मैंने किसी के घर में शामी कबाब का पिज्ज़ा भी खाया हुआ है ठीक है ना तो अगर आपके पास फ्रोजन सीख कबाब हैं शामी कबाब हैं तो आप उनका पिज़्ज़ा बना सकते हैं या सिर्फ वेजिटेबल या चीज़ पिज्ज़ा भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खाने में बस जी अब आप इसके ऊपर जो है वो ड्राई हर्ब्स डाल दीजिए नीचे आपने पिज्ज़ा सॉस लगाया है उसके ऊपर अपनी मर्जी का मीट रखें चीज़ रखें और पार्चमेंट पेपर मैंने इसलिए रखा है ताकि बेकिंग डिश के साथ जो है वो पिज़्ज़ा के चिपकने के चांसेस रहे ही ना तो बस आपने इसको बेक होने के लिए रख देना है पंद्रह मिनट के अंदर अंदर ज़बरदस्त पिज्ज़ा तैयार हो जाएगा इन शाला तो जी इस डो से जो है वो आप नान भी बना सकते हैं और भी मज़ेदार किस्म की चीज़ें बहुत आराम से बना सकते हैं और अगर कोई नई चीज़ आप बनाएंगे जो मैंने आपको नहीं सिखाई तो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है ताकि उसे मैं भी ट्राई करूं तो एक बैच ऑफ डो से जो है वो दो मीडियम पिज्ज़ा बन सकते हैं या फिर एक लार्ज पिज़्ज़ा बन सकता है ठीक हो गया आप चाहें तो पिज़्ज़ा के ऊपर सारी टॉपिंग करके भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से कवर करके इसके लिए आप मेरी रमज़ान वाली वीडियो देखें बहुत अच्छे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पिज़्ज़ा को जो है वो फ्रीज़र में कैसे स्टोर करना है तो ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा तैयार होगा और जैसे ही बनेगा मिनटों और सेकेंडों में ख़त्म हो जाएगा ये इतना गर्म था जब मैंने इसको काटा था कि मुझसे ये हाथ में उठाया भी नहीं जा रहा लेकिन ऑब्बियसली हमारे यहाँ कौन सा फ़ोटोशूट होने देते हैं लोग के ये कोई स्टूडियो थोड़ी है कि खाना रखा हुआ है और उसकी खूब ब्यूटिफिकेशन की जा रही है और ख़ूब तस्वीरें खींची जा रही हैं और उसके बाद वो खाने को मिलेगा ना बाबा हमारे यहाँ तो जैसे ही पकेगा कैंडिडेट तैयार होंगे तो जी इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ और हम बनाने लगे हैं सिनामेन रोल और जो लोग सिनाबॉन खाने के शौकीन हैं उन्हें पता है कि सिनाबॉन की प्राइसेस कहाँ जा पहुँची हैं तो बस जी यहाँ पे है मक्खन और मक्खन के साथ ब्राउन शुगर और है यहाँ पे पिसी हुई दारचीनी या सिनेमन पाउडर इसको जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मेरा मक्खन सॉफ्ट तो था मगर ज़रा ज़्यादा मेल्टेड नहीं था तो मैं इसको कोशिश करके मिला रही हूँ ये थोड़ा हार्ड है तो मैं 10 सेकंड के लिए इसको सिर्फ माइक्रोवेव करूंगी तो फिर आप देखिएगा कि स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी में आ जाएगा यानी कि आप इसे बहुत आराम से किसी भी चीज़ पर फैला के जो है वो लगा सकते हैं तो यहाँ पे जो है वो हमारी ज़बरदस्त किस्म की सिनेमन रोल की फिलिंग तैयार है जो बेक होने के बाद जो है वो कैमिलाइज हो जाएगी और इंतहाई मज़ेदार फ्लेवर देगी तो बस जी अब हम अपना डो यूज़ करते हैं और इस डो को जो है वो आप पहले जो है सूखा आटा साइड में रखेंगे और उसके बाद बेलना स्टार्ट करेंगे तो आप देख लीजिए कि मैंने ज़्यादा आटा साइड में रखा है थोड़ा सा आटा मिडल में रखा है और मैं कोशिश करूँगी कि अपने हाथ की मदद से इसको शेप दे सकूँ हमने इसको एक बड़ा रेक्टेंगल बनाना है मगर अगेन आप इस डो को देख लीजिए कि मैंने फ्रिज से निकाल के सुबह रख दिया था एक दो घंटे के बाहर रहा सॉफ़्ट हो गया ईजी टू हैंडल है ठीक है तो जब भी आप फ्रिज में रखेंगे इस तरह से आप बाहर निकाल लें और उसके बाद इसका एक शेप दीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए ढकने के बाद जो है वो आप इसको जितना मर्ज़ी फैलाना चाहेंगे ये बहुत आराम से फैल जाएगा ठीक है तो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे भी फॉलो किया है इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो दबा दबा के एक शेप दिया कुछ टाइम के लिए कवर करके रखा उसके बाद मैंने रोलिंग पिन की मदद से जो है वो उसको एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना दिया और रेक्टेंगल मैंने इतना बड़ा बनाया है जितनी बड़ी नीचे मेरी ट्रे है देख लीजिए कितना बड़ा रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के बीच में जो है वो हम अपनी बनाई हुई फिलिंग इसको स्प्रेड कर देंगे और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसका स्प्रेडबिल कंसिस्टेंसी होना क्यों ज़रूरी था अगर ये सही से फैलेगी नहीं तो ये डो को ख़राब करेगी आपके डो में सुराख कर सकती है तो इस तरह से जो है वो आपने इसको फैलाना है और कोशिश करें कि जो साइड्स हैं ना थोड़ी थोड़ी सी छोड़ दें ताकि वो रोल होने की और सील होने की जगह हो अदरवाइज ये होता है कि ये साइड्स तक चला जाए तो फिर बाहर निकल कर आ जाता है लेकिन वैसे मेरे ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर खुदा खुदाखसताफ़ साइड्स तक लगा भी लेते हैं तो टेंशन नहीं लें आपके रोल को कुछ नहीं होगा तो अब इसको हम जो है वो लूजली पैक करेंगे इसको बहुत टाइट नहीं रोल करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इसको टाइट नहीं पैक करना ताकि इसके बीच में थोड़ा गैप रहे और जब बटर मेल्ट हो तो डो को भी जो है वो राइज होने का चांस मिले क्योंकि इस डो में आपको पता है ईस्ट डला हुआ है और बेकिंग पाउडर भी डला हुआ है तो इस डो को जो है वो पूरा हक़ है कि ये फैल सके फैल के जो है वो साइज़ में डबल हो सके तो इसको बहुत दबा दबा के रोल मत करें सॉफ्टली इसको घुमाते जाएं और रोल करते जाएं अच्छा आप चाहें तो बड़े बड़े सना सिनापॉन बना सकते हैं यानी कि सिनामन रोल बना सकते हैं आप चाहें तो छोटे छोटे से बना सकते हैं तो चूँकि जो है मैं अपने घर में हर साइज़ का मेंबर रखती हूँ <laughs> बड़े लोग भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं तो इसके जो है ना मैं वैरायटी ऑफ साइज़ बनाऊँगी एक दो जो है वो मैं छोटे बना लूँगी और बाकी जो है वो मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बना लूँगी आप चाहें तो इक्वल साइज के भी बना सकते हैं तो ठीक है अब यहाँ पर जो है वो हम इसको कट कर लेंगे मेजर करके कट करेंगे तो इक्वल साइज़ के बनेंगे और मेरी तरह अंदाजे से कट करेंगे तो एक जैसे नहीं होंगे कोई छोटा होगा और कोई बड़ा होगा तो खैर जी हमने इसको जो है वो इस तरह से कट कर लिया और किसी शार्प चीज़ से ही इसको कट करें ताकि इतना सॉफ़्ट डो है वो ख़राब ना हो उसके बाद मैंने एक केक टिन के अंदर वो जो लोफ टिन होता है उसके अंदर मैंने पाँच मिनट पेपर लगाया है और इसको रख दिया है अब आप देखें कि ये कितने छोटे छोटे हैं लेकिन अब मैं दोबारा से इन्हें प्रूफ होने के लिए रखूँगी दस से पंद्रह मिनट के लिए तो इनके बीच में ये जो आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं ना ये फ़िल हो जाएंगे यानी कि रोल जो है वो प्रूफ हो के अपने साइज़ में थोड़े से और बड़े हो जाएंगे सिनेमन रोल बेक होने के लिए 25 से 30 मिनट का टाइम लेते हैं और अगर आपने बड़े साइज के बनाए हैं तो ये इवन 40 मिनट का भी टाइम लेंगे तो इसका आपको ख्याल रखना होगा और यहाँ पे जब तक वो बेक हो रहे हैं हम क्या करते हैं कि हम शुगर क्रीम चीज़ और बटर और वनीला एसेंस इनको मिला के जो है वो एक फ़्रॉस्टिंग बना लेते हैं जो हम ऊपर से जो है वो उसके गार्निश के लिए इस्तेमाल कर सकें उससे ये होता है कि इसका टॉप भी काफ़ी सॉफ़्ट हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बाज़ार में जो आपको मिलते हैं उनके ऊपर भी क्रीम चीज़ की टॉपिंग होती है अच्छा मेरे पास क्रीम चीज़ नहीं था मेरे पास चीज़ स्प्रेड था मैंने उसको यूज़ किया और यकीन माने वो भी बिल्कुल ही सही रहा लेकिन अगर आप बहुत प्रोफेशनल लुकिंग बनाना चाहते हैं तो आप क्रीम चीज़ ही इस्तेमाल कीजिए इस रेसिपी में मेरी तरह चीज़ स्प्रेड मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि नॉर्मली ये रिकमेंडेड होता नहीं है रोल्स को बीच बीच में आप चेक भी कर सकते हैं और इनकी साइड भी टर्न करें ताकि वो हर साइज से इक्वली ब्राउन हो गोल्डन ब्राउन खूबसूरत कलर इसमें आना चाहिए जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस कदर ज़बरदस्त और मज़ेदार बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती और ये उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं और अगर बच जाएँ तो नेक्स्ट डे आप इन्हें टेन सेकेंड गर्म करेंगे तो ये दोबारा से ऐसे हो जाएंगे जैसे फ़्रेश हैं और इनको जल्दी से आप खा सकते हैं तो बस जी इसके ऊपर आप क्रीम चीज़ की टॉपिंग करें और मेरा मशवरा यही है कि एक्चुअल क्रीम चीज़ यूज़ करें अगर आप इसे किसी दावत या पार्टी के लिए बना रहे हैं अगर घर के लिए बना रहे हैं तो मेरी तरह आप घर वाला चीज़ स्प्रेड में चीनी डाल के वनीला एसेंस और बटर डाल के ज़रूर काम चला सकते हैं हमारे बच्चों ने बहुत शौक से खाया यकीन माने कि इन पे लड़ाई होती रही कि अम्मा आपने ज़्यादा क्यों नहीं बनाए हैं तो बस जी मुझे उम्मीद है कि ये वाली सारी रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी और जिस जिस का लंच से रिलेटेड या हाइट की से रिलेटेड क्वेश्चन था उन सब के क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं यहाँ पे हम जा रहे हैं एक छोटे से शॉपिंग ट्रिप पे चाहे आपको कुछ खरीदना हो या ना ख़रीदना हो मगर ये ऐसी शॉपिंग है कि उस पर औरतों को जाने में बहुत मजा आता है जब हम दुबई में रहते थे और आप में से जितने लोग दुबई में रहते हैं ज़रूर रिलेट करेंगे कि मॉल जाते थे ना तो एक चक्कर में होम सेंटर का ज़रूर लगाती थी मेरे बच्चे कहते थे अम्मा होम सेंटर में मत जाइए लेकिन मैं ज़रूर जाया करती थी अंदर जाती थी चीज़ें देखती थी डेकोरेशन आइटम देखती थी आ, सेटिंग के डिफरेंट आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं क्योंकि इन सारी दुकानों को जो है वो प्रोफेशनल सेटअप करते हैं तो आपको भी बड़े अच्छे अच्छे से आइडियाज़ मिलते हैं अपने घर को सजाने के और जो नई कलर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं या स्कीम्स आ रहे हैं वो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि क्या इन है और क्या आउट है तो बस जी हम यहाँ पे वैसे तो कुछ ख़रीदारी करने के लिए आए थे तो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आपको यहाँ के स्टोर पे दिखाती हूँ वैसे तो यहाँ के स्टोर जो हैं वो दुबई के होम सेंटर का मुकाबला नहीं करते क्योंकि वहाँ का डेकोरेशन बहुत खूबसूरत होता था लेकिन फिर भी देख के मज़ा बहुत आता है तो मैंने कहा आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे आ रहा है कम्युनिटी टैब पे मैंने चॉकलेट स्कोन्स की तस्वीर डाली थी उसको बहुत वोट्स मिले थे इन शी ने नैक्स्ट व्लाग में कोशिश करूँगी कि उसकी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँ वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी उसे इन्जॉय कर सकें और उसके अलावा जो है वो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये सारे के सारे आइटम फ्रीज़ कैसे करेंगे तो आप किसी भी डिश में जो है वो पार्चमेंट पेपर बिछाएं और आप जो भी चीज़ फ्रीज़ करना चाहते हैं स्कोन्स हो गए बेगल हो गए जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं फ्रीज उसको आप फ्रीज़र में रख दीजिए थोड़ी देर बाद वो फ्रीज़ हो जाएंगे तो उन्हें बाहर निकालें और एयर टाइट डब्बों में डाल के जो है वो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं और जितने जब आपने बेक करने हैं बाहर निकालें उनको डीफ करें और आराम से बेक कर लें तो इस तरह से जो है वो आप आराम से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जहाँ तक आटे को फ्रीज़ करने का सवाल है तो उसको अपने रिक्वायर्ड अमाउंट के हिसाब से कि आपको कितना आटा एक टाइम पे चाहिए होता है तो उस डो के उतने पोर्शन कर लीजिए और छोटे एयर टाइट बॉक्सेस में डाल के इसे फ्रीजर में रख लें सुबह फ्रिज में रख दीजिए या फ्रिज से बाहर निकाल के रख लीजिए तो डी हो जाएगा और आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हैं तो मुझे जरूर बताइएगा इन जवाब दूंगी और मैं देख रही थी कि 74% परसेंट ऑफ मेरे व्यूअर्स जो हैं ना वो मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ एक दफ़ा इस बात को भी थॉट दीजिए कि आप अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ जो आपको पसंद आ रहा है तो होपफुली अगर आप यहाँ तक वीडियो में, में मेरे साथ साथ हैं तो वीडियो को जो है वो विदाउट सब्सक्राइब किए मत छोड़िएगा और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं वहाँ पे भी मैसेजेस का जवाब देना बहुत आसान होता है और दुनिया के हर कोने से जहाँ जहाँ से आप लोग मुझे प्यारी प्यारी दुआएं लिख के भेजते हैं वो सारी दुआएं अल्लाह ताला आप सब के हक़ में भी कबूल फ़रमाएँ खुश रहें आबाद रहें शाद रहें अल्लाह ताली आपके रिस्क में बरकत दे फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ